गुड मॉर्निंग 10th क्लास चैप्टर 6 ऑलरेडी हम कर चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर 7 कल की क्लास में कंप्लीट हो गया। आज हम एक बार रिवीजन ले लेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक में अगर क्लास लगती है तब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइटो हार्मोन प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे और फिर से उनके फंक्शंस को समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया है। अगर इन फ्यूचर एग्जाम से पहले रिवीजन पार्ट होता है तो अपन नर्वस सिस्टम को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहां पर बच्चों में प्लांट हार्मोन एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप बने रहे क्लास में। प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन, टेंथ क्लास लिसन केयरफुली। बच्चों आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है इसके अंदर एक टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन। ओके बच्चों, जनरली प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, मसल्स नहीं पाई जाती, फिर भी प्लांट्स कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, कंट्रोल्ड रहते हैं, रेगुलेटेड रहते हैं। इसका रीजन ये है कि प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं एंड दे कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द प्लांट। ओके बच्चों, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स को प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, इन शॉर्ट PGR भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इन्हें हम कहते हैं। अंडरस्टूड बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों जनरली मेनली जो 5 टाइप के प्लांट हॉर्मोन्स हैं वो हम स्टडी करते हैं हायर क्लासेस में भी और यहाँ भी। वो 5 हार्मोन में से 3 को हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं जो कि ग्रोथ के प्रमोशन के लिए वर्क करते हैं, और 2 हार्मोन ऐसे हैं जो ग्रोथ को चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके बच्चों, तो ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ प्रमोटर। ओके बच्चों, इनमें 3 हॉर्मोन्स हैं, ऑक्सिन सेकेंड जिब्रेलिन एंड थर्ड साइटोकाइनिन। ओके बच्चों, फिर सेकेंड जो टाइप है वो है ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर। इनमें बच्चों फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और फिफ्थ है इथाइलीन। यस बच्चों, ध्यान से देखिए, देयर आर टोटल 5 हार्मोन्स इन प्लांट विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके बच्चों, इन विच 3 आर ग्रोथ प्रमोटर, दे प्रमोट द ग्रोथ, एंड 2 आर ग्रोथ इनहिबिटर। ओके बच्चों, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स आर ऑक्सिन जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ओके, एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स आर एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलीन। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सिन। व्हाट इज ऑक्सिन, क्या है बच्चों? ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, जो कि शूट टिप एंड रूट टिप पर फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके बच्चों, एंड जो ऑक्सिन है इनमें 2 ग्रुप्स हैं, एक तो नेचुरल ऑक्सिन जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इन शॉर्ट इन्हें IAA भी कहते हैं एंड IBA भी कहते हैं। तो दीज आर द नेचुरल ऑक्सिन्स। इसके अलावा सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी हैं बच्चों,
24D और 245T, ओके। तो ये सिंथेटिक हॉर्मोन्स हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, और जनरली जो ऑक्सीजेंस हैं ये एसिडिक होते हैं। ये क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। बच्चों जो ऑक्सीजन हॉर्मोन्स हैं, जो ऑक्सीजन हॉर्मोन हैं, ये शूट की ग्रोथ को, शूट की ग्रोथ को, इनकी जो स्टेम है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जबकि रूट में इनका अपोजिट फंक्शन है, ये रूट की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल के एनलार्जमेंट को, सेल के डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करते हैं ये हॉर्मोन। फ्रूटिंग को, फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करते हैं ये। बच्चों एपिकल डोमिनेंस कॉज करते हैं कि जब शूट की ग्रोथ हो रही होती है एपिकल पार्ट पर, तब ये वहां पर डोमिनेंट होते हैं। तो डोमिनेंट होने की वजह से लेटरल साइड में जो है लेटरल ब्रांचेस ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो दीज ये क्या करते हैं? एपिकल डोमिनेंस को शो करते हैं, ओके बच्चों। इन हॉर्मोन्स के स्प्रिंकलिंग से, इन हॉर्मोन्स के फ्लावरिंग प्लांट पर स्प्रिंकलिंग से विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? द डेवलपमेंट ऑफ द, जनरली क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन गिरते हैं फ्लावर के ऊपर और पॉलन ट्यूब ग्रो होती है और मेल गैमेट से जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, आफ्टर दिस जो है फ्लावर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं फ्रूट के अंदर। लेकिन इन हॉर्मोन्स के छिड़काव से जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट का डेवलपमेंट हो सकता है या हो जाता है। दिस वन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। इसे हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। जनरली जो ग्रोथ से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो ऑक्सीजन हॉर्मोन के द्वारा किए जाते हैं, ओके बच्चों। तो दीज आर द, दीज वर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, 10th क्लास सेकंड जो हार्मोन है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन को डिस्कवर किया गया एक राइस सीडलिंग से, जहां पर एक फंगस के इंफेक्शन को ऑब्जर्व किया गया। उस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजी कुरोई, ओके। तो इस फंगस से जिब्रेलिन को डिस्कवर किया गया और ये राइस के अंदर एक्सेस ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो कम समय में बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाती है राइस के प्लांट के अंदर, राइस की सीडलिंग के अंदर, और ऐसे राइस के पौधे को जिसमें इंफेक्शन की वजह से जो लंबाई बढ़ गई है, तो उसे हम फुलिस सीडलिंग भी उन्होंने उस समय कहा। उस समय के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा यह फुलिस सीडलिंग है, ओके बच्चों। तो जिब्रेलिन, अच्छा जिब्रेलिन जो है इन्हें हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। ये एक से लेकर 100 तक है। तो हम जो कॉमनली पढ़ते हैं जिनको, वो GA3, जनरली जो जिब्रेलिन है वो GA3 है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड, ओके बच्चों। तो ये भी क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, शूट की ग्रोथ को, रूट की ग्रोथ को, फ्रूटिंग को, फ्लावरिंग को ये प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन को ये प्रमोट करते हैं, सेल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, माल्ट के प्रोडक्शन को, माल्ट एक स्टार्च है जिसके प्रोडक्शन को ये प्लांट्स के अंदर प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो रोजेट कंडीशन है फ्लावर्स की, उसको ये इंड्यूस करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन के फंक्शन है। इसके साथ साथ ये एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को ये दूर कर देते हैं। अच्छा बच्चों, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन के एक दो फंक्शन और हैं कि ये एब्सिशन को रोकते हैं। एब्सिशन कहते हैं प्लांट से लीव्स एंड फ्रूट के सेग्रीगेट होने को, अलग होने को कहते हैं, सेपरेट होने को कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन जो है एब्सिशन को रोकते हैं, लीव्स और फ्लावर्स को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ सीनेसेंस, बुढ़ापे को, ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन बुढ़ापे को डिले करते हैं प्लांट के अंदर। सीनेसेंस, दे डिले द सीनेसेंस ऑफ द प्लांट, ओके बच्चों। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। नेक्स्ट लेते हैं साइटोकाइनिन। बच्चों साइटो मतलब सेल। राम, अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बने रहे, वेट करें, श्योरली ये रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ओके। बार बार हैंड रेज मत करें आप। बच्चों नेक्स्ट जो प्लांट हार्मोन है दैट इज द साइटोकाइनिन। साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन करना, यानी कि ये वो हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं और जिससे प्लांट के जो टिश्यूज हैं, प्लांट के जो फ्रूट्स हैं, उनकी ग्रोथ होती है, ओके बच्चों। तो जो फर्स्ट जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन था वो था काइनेटिन। काइनेटिन इज द सिंथेटिक साइटोकाइनिन। और जो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन है वो है GAT, GAT is the first natural cytokinin, okay बच्चों।
तो दिस हार्मोन प्रमोट द सेल डिवीजन, ये इनका फंक्शन है, सेल डिवीजन को ये प्रमोट करते हैं जिससे फ्रूट की टिश्यूज की ग्रोथ होती है, ये एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करते हैं, ये फ्लावरिंग को या फ्रूटिंग को प्रमोट करते हैं, सीनेसेंस को डिले करते हैं ये, ठीक है। तो ग्रोथ से रिलेटेड जो पार्ट है वो ये प्रमोट करते हैं, ये जनरली सीड के अंदर, एम्ब्रियोज के अंदर, बर्ड्स के अंदर ये रिलीज होते हैं और वहां पर बर्ड्स की ग्रोथ को, एम्ब्रियो की ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं। ओके बच्चों, तो ये साइटोकाइनिन के फंक्शन थे। नेक्स्ट लेते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को इन शॉर्ट ABAB कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड को क्या कहा जाता है बच्चों? ABAB कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड इज द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इट चेक्स द ग्रोथ। चेक का ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ को कंट्रोल करना, चेक करना कि वो एक्सेस में नहीं हो रही है कहीं, ठीक है बच्चों। तो ये सेल डिवीजन को रोकते हैं, ग्रोथ को, शूट एंड रूट की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। इसके अलावा सीनेसेंस कॉज करते हैं, बुढ़ापे को लाते हैं। एब्सिसिन को प्रमोट करते हैं, लीव्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के एब्सिसिन को ही प्रमोट करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट लेते हैं इथाइलिन। बच्चों इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन, ये एक गैसियस हार्मोन है और जनरली इनका फॉर्मेशन फ्रूट के अंदर होता है। ये फ्रूट के अंदर ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, फ्रूट को साइज में इंक्रीज करते हैं, ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को ये स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा एब्सिसन को प्रमोट करते हैं ये, और सीनेसेंस को प्रमोट करते हैं, और जो रिपेनिंग है, जो प्लांट में जो फ्रूट की जो पकना है, जो पकाव है या रिपेनिंग है, वो इथाइलिन हार्मोन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था प्लांट हार्मोन्स का और उनके फंक्शंस का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट को एक बार फिर से लेते हैं। लिखेंगे कम, एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा क्योंकि ये टॉपिक पहले हो चुका है, तो थोड़ा सा और आपका नॉलेज जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए शार्प हो जाएगा। पहले तो अपन बात करते हैं ग्लैंड्स की। बच्चों ग्लैंड क्या है, व्हाट इज अ ग्लैंड? तो मैं डिफाइन कर देता हूं, ग्लैंड इज अ सेल और अ टिश्यू और अ ऑर्गन और एन ऑर्गन। ग्लैंड क्या है, एक सेल हो सकती है, एक टिश्यू हो सकती है या एक ऑर्गन हो सकता है जो किसी स्पेसिफिक केमिकल को रिलीज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड इज अ सेल और ए टिश्यू और एन ऑर्गन विच सीक्रेट स्पेसिफिक केमिकल, दैट इज द ग्लैंड। बच्चों टाइप्स की बात करें तो ग्लैंड जो है जनरली थ्री टाइप्स की, फोर टाइप्स की होती हैं। यस बच्चों टाइप्स की बात करें तो ग्लैंड जनरली आर ऑफ फोर टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हिट्रोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। बच्चों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है दे हैव द डक्ट, उनके अंदर डक्ट पाई जाती हैं, वो अपने सिक्रेशंस को डक्ट से रिलीज करती हैं और डक्ट से फिर टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट तक पहुंचाया जाता है। ऐसी ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं विच रिलीजेस द एंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। सेकंड लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो मतलब विद इन, क्राइनिन मतलब सिक्रेशन। ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि डक्ट लेस होती हैं, ये अपने सिक्रेशंस को, अपने केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं और ब्लड के द्वारा टारगेट टिश्यू और टारगेट साइट तक जो है इनके केमिकल पहुंचते हैं। जनरली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे रिलीजेस द हार्मोन, वो क्या करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं।
यस टेंथ क्लास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, दे आर द डक्टलेस ग्लैंड विच सीक्रेट द स्पेसिफिक केमिकल्स विच आर कॉल्ड हॉर्मोन्स डायरेक्टली इन टू द ब्लड एंड वाया ब्लड द हॉर्मोन्स रीचेस टू द टारगेट साइट और टारगेट ऑर्गन. ओके नेक्स्ट लेते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स, दोज ग्लैंड्स विच हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट. ऐसी ग्लैंड जिनमें एक्सोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं एंड एंडोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड. फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाज, बच्चों पेनक्रियाज वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एंड दे ऑल्सो रिलीजेस द हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन विच कंट्रोल्स आर शुगर लेवल इन ब्लड. नेक्स्ट लेते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जो कि हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं लेकिन सेल्स को भी प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस द स्पर्म एंड दे ऑल्सो रिलीजेस द टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन. लाइक टेस्टिस ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट ओव्यूम एंड दे ऑल्सो रिलीजेस द प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन हॉर्मोन विच आर फीमेल सेक्स हॉर्मोन. ओके बच्चों तो ये टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं. नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं. ह्यूमन एंडोक्राइन ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड. हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, बच्चों हमारे अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं. मैं स्टार्ट करता हूँ बोलना. फर्स्ट हाइपोथैलेमस, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड थायराइड ग्लैंड, फोर्थ पैराथायराइड ग्लैंड, फिफ्थ पीनियल ग्लैंड, सिक्स्थ थाइमस ग्लैंड, सेवंथ एड्रिनल ग्लैंड, एट्थ पेनक्रियाज, नाइन्थ टेस्टिस एंड टेंथ ओवेरी. टेस्टिस मेल के अंदर पाए जाते हैं, ओवरीज फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है बच्चों, सबसे पहले लेते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस. बच्चों हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है और हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स हैं वो न्यूरो हॉर्मोन्स हैं. हाइपोथैलेमस में कई टेन टाइप के जो हैं हॉर्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को या तो स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं. तो जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं उन्हें तो कहते हैं हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, और जो इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को उन्हें हम इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं. ये आप 11th में पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा. और हाइपोथैलेमस को इसी वजह से सुप्रीम ग्लैंड भी कहते हैं एंड मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस को कहते हैं. हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. कोई आपसे पूछे कि हाइपोथैलेमस को सुप्रीम ग्लैंड या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं तो आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है इसीलिए इसको सुप्रीम ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड कहते हैं. इसके अलावा बच्चों दो और न्यूरो हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होते हैं एंड दे स्टोर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके बच्चों, ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायबिटिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं लेकिन बनते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर है. सेकंड आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्टॉक के द्वारा पाई जाती है अटैच्ड, और ये पी साइज मटर के दाने जितनी होती है. इसके अंदर तीन भाग हैं, एंटीरियर लॉब, मिडिल लॉब एंड पोस्टीरियर लॉब. तो इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन बॉडी की जितनी भी ग्लैंड है उनको कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है, इसलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब पार्ट से एट फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ हॉर्मोन की. ग्रोथ हॉर्मोन या सोमेटोस्टैटिन भी कहते हैं इसे. ये हमारी बोन्स की ग्रोथ को, मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है ग्रोथ हॉर्मोन. ओके बच्चों, अगर बच्चों में ये एक्सेस में रिलीज हो तो बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इस बीमारी को कहेंगे जिजांटिज्म. और अगर ये लेस सिक्रेशन होता है इस हार्मोन का तो बच्चों की हाइट जो है कम रह जाएगी, ड्वार्फ रह जाएंगे वो.
और इसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। अंडरस्टूड बच्चों? अगर मान लो अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो फिर हाइट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो फेशियल बोन्स हैं उनकी एक्सेस ग्रोथ होगी, लिम्स की बोन्स की ग्रोथ होगी, और इस डिजीज को कहेंगे एक्रोमिगेली। सेकंड आ जाते हैं हम बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है टेस्टिस में स्पर्म के प्रोडक्शन को, फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, और जो ओवरीज है ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जहां से जिसके अंदर ओव्यूम डेवलप होते हैं, ओव्यूम का डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज को भी स्टिमुलेट करता है। ओके बच्चों, सेकंड लेते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग, सॉरी थर्ड लेते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH कहते हैं इसे। ये ओव्यूम के रिलीज को, ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है, साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज को भी प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, एंड मेल के अंदर, वुमन मेल के अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या जो लीडिंग सेल्स हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिलीज को भी स्टिमुलेट करता है, और इसीलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। अंडरस्टूड? इन दोनों हार्मोन FSH और LH को कंबाइनली गोनेडोट्रोफिन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड का TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द थायरोक्सिन हार्मोन। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मेमोरी ग्लैंड के, महिलाओं के अंदर मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है, और मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। तो हमने बच्चों ग्रोथ हार्मोन समझा, TSH को समझा, FSH और RLH को समझा, और प्रोलैक्टिन को भी हमने समझा। अब बात करते हैं मिडिल लॉब की। बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मिडिल लॉब है उसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम MSH कहते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो कि हमारी जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं स्किन के अंदर उनके अंदर पिगमेंट्स के स्प्रेडिंग को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, स्किन के कलर को रेगुलेट करता है। अच्छा बच्चों एंटीरियर लॉब से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ACTH कहते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द हार्मोन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लेते हैं पोस्टीरियर पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पिछला पार्ट है, जो पोस्टीरियर लॉब है, वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन। बच्चों ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसका रीजन ये है कि जब प्रसव काल, जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण से, उस समय क्या होता है बच्चों कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो महिलाओं के अंदर यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन को इंटेंस कर देता है, जिससे तेज यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जिससे बच्चे को धक्का लगता है, पुश लगता है फीटस को, और जो बच्चा है उसकी डिलीवरी होती है, इसीलिए इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही साथ जब जो इन्फेंट है, जो नवजात बच्चा है, जब अपने माँ के निपल से मिल्क को सक करता है, तो मिल्क का जो इजेक्शन है वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रेजेंस में ही पॉसिबल हो पाता है। सो दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। दिस इज आल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ओके बच्चों, सेकंड लेते हैं ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन बच्चों क्या करता है कि जो नेफ्रॉन्स के जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पार्ट है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का पार्ट है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, जिससे यूरिन ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके ही रिलीज हो। तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाता है ये, ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करवा के सॉल्ट मिनरल्स एंड वाटर का, इसीलिए हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये हार्मोन निकलना बंद हो जाए तो इसकी एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये डायबिटीज मेलाइटस से थोड़ी अलग है। डायबिटीज इंसिपिडस में ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज हो जाती है, और इस बीमारी का जो पेशेंट है वो रेगुलर इंटरवल से बार बार यूरिनेशन करता है, यूरिन रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, ADH हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, बिकॉज इट प्रेसेस द वेसल्स एंड रेज द ब्लड प्रेशर।
ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेस करता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है रेज हो जाता है, राइज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो दैट्स व्हाई द एडीएस इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन. इसे हम क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. ओके बच्चों, हाँ चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों. पिट्यूटरी हो गया, थायराइड ग्लैंड. बच्चों थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले में पाई जाती है, ट्रेकिया के इनिशियल पार्ट पर पाई जाती है, लैरिंग्स के नीचे पाई जाती है. दिस इज द एच शेप्ड ग्लैंड, ये एच शेप की होती है. दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. इनके हार्मोन को हम थायरोक्सिन कहते हैं. थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए इनको आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें नमक से मिलता है. तो हमें अपने खाने के अंदर आयोडीनेटेड जो नमक है उसको काम में लेना चाहिए, सॉल्ट को काम में लेना चाहिए, जिससे थायरोक्सिन का प्रोडक्शन सही हो सके. थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो हमारे बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है. ओके बच्चों, ये है. और इसी तरीके से कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है, वो भी निकलता है, जो कि ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है. अगर जो पहाड़ी इलाके, नॉर्दर्न जो हिली एरिया है इंडिया के, वहां पर आयोडीन की कमी होने से बच्चों के अंदर गॉइटर बीमारी हो जाती है, जिसमें गले में सूजन आ जाती है, थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग कर जाती है, स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, और बच्चों का मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है. इसी तरीके से बच्चों के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम अगर निकले, तो उसकी वजह से उनमें क्रैटिनिज्म हो जाता है, और इसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ स्लो हो जाती है, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाती है, बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है. अगर बड़ों के अंदर, अडल्ट के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन ना निकले, तो इससे जो है एक्सोथैल्मिया, हाँ इससे बच्चों एक्सोथैल्मिया हो जाता है. ठीक है, और क्या होता है कि बड़ों के अंदर, इसे हम हाइपोसिक्रेशन कहते हैं, बड़ों के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, फूड का कंजप्शन स्लो हो जाता है, तो व्यक्ति सुस्त सा रहता है और एक्टिवनेस नहीं रहती, और मोटापा ओबेसिटी आने लग जाती है. ओके बच्चों, इसी तरीके से अगर हाइपर सिक्रेशन हो, अगर बड़ों के अंदर अगर थायरोक्सिन का हाइपोसिक्रेशन हो, ज्यादा सिक्रेशन हो, तो उस मैं यहाँ पर बच्चों करेक्शन करूंगा, क्रेटिनिज्म बच्चों में थायरोक्सिन के कम सिक्रेशन से हो जाता है, जबकि बड़ों में थायरोक्सिन के कम सिक्रेशन से मिक्सोडीमा हो जाता है. सॉरी मैं इसको करेक्ट करता हूँ, माफी चाहूंगा आपसे, मिक्सोडीमा हो जाता है. मैं यहाँ थोड़ा सा सोच ही रहा था कि इसको क्या कहेंगे, मिक्सोडीमा कहेंगे. और अगर ज्यादा सिक्रेशन हो, थायरोक्सिन का ज्यादा रिलीज हो, तो उस कंडीशन में एक्सोथैल्मिया हो जाता है, जिसे हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं. तो मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाती है थायरोक्सिन के ज्यादा सिक्रेशन से, हार्ट रेट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, जो भी पेशेंट जो भी कुछ खाता है वो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाता है, और एक्सेसिव लीननेस, दुबलापन आने लग जाता है पेशेंट के अंदर. ओके बच्चों, मैं करेक्शन कर रहा हूँ, बच्चों के अंदर अगर थायरोक्सिन कम निकलेगा तो क्रेटिनिज्म हो जाता है, अगर बड़ों के अंदर कम निकलेगा तो मिक्सोडीमा हो जाएगा, और अगर थायरोक्सिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो इससे एक्सोथैल्मिया, या इसे हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, ये हो जाती है. तो थोड़ा इसको आप ध्यान रखना. ओके बच्चों, हाँ 10th क्लास आज के लिए इतना ही. अगर नेक्स्ट वीक अपनी क्लास लगती है तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस समय चैप्टर 8. तब तक आप क्या करें, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें. मैंने आपको नोट्स दे दिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना के दिए हैं, एकदम कहीं भी आपको हार्ड नहीं लगेंगे, समझना बहुत आसान हो जाएगा. इवन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट है वो तो इतना सिंपली मैंने ड्रॉ कर दिया है टेबुलर फॉर्म में, जिसको लर्निंग करना बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों. ओके, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दें.